गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आज का टॉपिक है लकड़ी के फर्नीचर। इनसे क्वेश्चन लिया गया है, क्लास टेंथ का होम साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखें। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के फर्नीचर की सफाई किस प्रकार की जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लकड़ी के फर्नीचर की सफाई किस प्रकार की जानी चाहिए। तो लकड़ी की बनी हुई सभी वस्तुओं को नित्य साफ कपड़े, नरम ब्रश से झाड़ना और पोछना चाहिए। तो लकड़ी के कपड़ों, लकड़ी से जो फर्नीचर के वस्तुएं बनाए जाते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको डेली वैसे पोछ देना चाहिए कपड़े से, नरम ब्रश से भी पोछ देना चाहिए, झाड़ देना चाहिए ऐसा, या तो भीगे हुए कपड़े से का भीगा का कपड़ा फर्नीचर को साफ़ कर देना चाहिए, या तो साबुन से साफ़ कर देना चाहिए। ये सभी तरीके हैं साफ़ करने के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपड़े, गलीचे इत्यादि को धूप में डालना क्यों आवश्यक है। जो कपड़े होते हैं, गलीचे होते हैं, इन सबको धूप में क्यों डाला जाता है और इससे मुझे क्या लाभ मिलता है डालने से। या तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिस्तर व कालीन को धूप दिखाना क्यों आवश्यक है। जो बिस्तर है, कालीन है, उसको धूप क्यों दिखाते हैं, इसके बारे में चलते हैं जानते हैं। इसका उत्तर है, कपड़े, गलीचे इत्यादि में नमी के कारण रीठे पड़ जाती हैं। क्या होता है, जो कपड़े होते हैं और गलीचे होते हैं, अगर धूप में ना दिखा जाए तो उसमें धीरे धीरे नमी आ जाती है। नमी आने की वजह से क्या होते हैं, बैक्टीरिया और कीड़े ऐसे जैसे कुछ हो रीठे जैसे पड़ जाती हैं और उससे दुर्गंध आने लगता है। दुर्गंध आने लगता है और धूप में डालने से क्या होता है, सारे जो भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और दुर्गंध आना बंद हो जाता है, और इससे कभी स्किन प्रॉब्लम या स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए कपड़े और गलीचों को क्या हमेशा अगर सिर्फ यूज करना है, उसके लिए हमको धूप दिखाना चाहिए और प्रतिदिन साफ करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं तो फर्नीचर के जो प्रकार हैं, कई प्रकार के होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, गद्देदार फर्नीचर, स्टील के फर्नीचर, बेंत के फर्नीचर, फाइबर के फर्नीचर आदि क्या है, सब फर्नीचर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए। अगर घर के जो फर्नीचर हैं कैसा होना चाहिए, तो घर के फर्नीचर क्या होता है, सस्ता होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए। अगर हम फर्नीचर की ख़रीदारी करते हैं या बनवाते हैं, तो देखते हैं कि महंगा ना हो और सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो। इसकी ये गुणवत्ता है कि उसे हम ये परखें या देखें कि उसकी गुणवत्ता क्या है, टिकाऊ है कि नहीं। सस्ता के साथ साथ क्या होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में पर्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो घर में पर्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि धूप और धूल से बचाव के लिए घर में हम पर्दों को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सजावट में रंगों का महत्व लिखिए। जो क्या होता है, घर में सजावट के रंगों का महत्व। तो घर की सज्जा में रंगों का विशेष महत्व होता है। जब हम घर को कलर करवाते हैं या कोई भी सजावट करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, उसका कलर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। रंगों के कारण आकर्षक, मनमोहन लगने लगता है। साफ सुथरा एवं लीपे पोते घर में मन प्रसन्नित रहता है। जैसे किसी का अगर कच्चा घर है तो लीपे पोते होते हैं, पक्का घर है तो साफ सफाई, गुलदस्ता लगा हुआ हो, अच्छी सी उसको डेकोरेट किया गया हो और रंग अच्छे हो, चटक हो, मनमोहक हो, आकर्षक हो, ये सब क्या होते हैं, सजावट के रंग होते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अधिक धन खर्च के बिना घर की सजावट कैसे कर सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि अपने घर की सजावट भी कर लें और धन की खर्च भी ना हो, धन ना लगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो घर की सजावट के लिए सस्ती चीज़ें खरीदनी चाहिए। जब हम घर की सजावट करते हैं तो सस्ती चीज़ों को खरीदना चाहिए, इसलिए कि अगर कभी टूट जाए, गिर जाए या बच्चे उसे तोड़े तो ज़्यादा हानि ना हो। अनावश्यक सामान ना खरीद कर ज़रूरत के हिसाब से ही लेना,
ऐसा नहीं कि मार्केट गए हैं तो कोई भी वस्तु खरीद ले जो हमारी ज़रूरत की भी ना हो। अपनी आवश्यकताओं अनुसार ही जरूरत और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी क्या होती है वस्तुओं को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सज्जा में फूलों का क्या महत्व है? अगर हम घर की सज्जा करते हैं तो उसमें फूल का क्या योगदान रहता है? देखते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाने एवं सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा की जाती है। घर को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं हम? पुष्प सज्जा। कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। घर की सजावट क्यों महत्वपूर्ण? तो घर की सजावट क्यों महत्वपूर्ण? तो क्या वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, घर को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए हम पुष्प सज्जा करते हैं। पुष्प सज्जा किस लिए करते हैं? घर को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए हम घर की सज्जा करते हैं। आकर्षक रंगों सुगंध के कारण फूल घर की सजावट विशेष महत्व रखते हैं। अगर कलर अच्छे हो, आकर्षण हो, घर के सुगंध अच्छे हो, तो घर का जो फूल का जो सुगंध अच्छा हो, घर की सजावट का जो भी डेकोरेशन हो अच्छा हो, तो ये सब विशेष महत्व रखते हैं आकर्षण के लिए। इनका गुच्छा आदि बनाकर फूलदान व अन्य पात्रों में विभिन्न भागों में सजाया जाता है। जो फूल होते हैं ये नहीं कि वन बाय वन करके दरे दर रखे, ऐसा ना रहे, गुलदस्ता बनाए और मेज हो, बीच में मेज रख दिया जाए और मेज के बीच में पात्र को रख दिया जाए, उसमें गुलदस्ता को लगा दिया जाए। बड़े गुलदस्ता है, लंबेदार है तो कार्नर में लगा दें, छोटे गुलदस्ता है तो उसमें पात्र में लगा कर उसमें मेज पर रख दें। तो गुलदस्ता के अनुसार हम सजावट करेंगे, कैसे फूल लंबे पत्ते वाली है, तने वाली है, छोटे हैं, छोटे टहनी वाली है, पार्ट कैसा, बड़ा है कि छोटा है, इस हिसाब से हम उसकी सजावट करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई किस प्रकार की जाती है? तो प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई पानी अथवा किसी घोल द्वारा की जाती है। प्लास्टिक की फर्नीचर की सफाई करने के लिए ज़्यादा विशेष कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी व क्या कहते हैं साफ पानी से भी साफ़ कर दे अथवा किसी भी घोल द्वारा भी, जैसे कोई स्प्राइट हो उससे भी साफ कर सकते हैं या तो पानी द्वारा भी साफ कर सकते हैं। घर की मुख्य कौन कौन सी शैली है? घर का जो मुख्य शैली कौन का, देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित, तीन शैलियाँ होती हैं। देसी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैलियों का प्रयोग किया जाता है। बैठक की सजावट की वस्तुओं की सूची बताइए। तो बैठक की सजावट कौन सी दो वस्तुएं हैं, कौन कौन से हैं? फर्नीचर है, पर्दे दरी कालीन है, फर्नीचर हो गया, पर्दे दरी एवं कालीन है, चित्र एवं मूर्तिकार एवं पुष्प आदि, ये सब क्या हैं गृह सज्जा के साधन के नाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गृह सज्जा की परिभाषा क्या है? तो गृह सजावट, गृह घर की वह सजावट, सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, घर का जो घर का सजावट करते हैं वह एक कला है। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके माध्यम से कम व्यय में परिश्रम भी कम लगे और वातावरण को हम मनमोहक प्रभावपूर्ण बना सकते हैं अपने कलाकारी के द्वारा। सजावट के साधन कौन कौन से हैं? फर्नीचर, पर्दे, दरी, कालीन, क्या है सजावट है, अरे फर्नीचर है, पर्दे, दरी, कालीन, चित्र, पुष्प और पुस्तकीय प्रकाश, शो पीस, मनोरंजन के आदि उसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत क्या है? तो कलात्मक सिद्धांत ये है, मेल व अनुरूपता है, अनुपात है, संतुलन है, लय है, दबाव, ये सब क्या है गृह सज्जा के क्या है सिद्धांत है, कला के सिद्धांत है। गृह सज्जा के प्रकार बताएं तो गृह सज्जा के कितने दो प्रकार, शैली, विदेशी, विदेशी शैली और देसी शैली। क्वेश्चन क्यों चलते, सजावट की कला का सबसे अच्छा सिद्धांत है, सजावट की कला का सबसे अच्छा सिद्धांत है अनुरूपता। क्या है अनुरूपता? सजावट में सबसे अधिक आवश्यकता है, जो किसकी आवश्यकता है सजावट में से आवश्यकता है तो किसकी है, सफाई की आवश्यकता होती है। सजावट के दौरान सफाई विशेष ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में सही का चयन करिए। तो सजावट से सुंदरता आती है, जब सजावट करेंगे
बाथरूम में चित्र लगाना ये नहीं हो सकता, बेडरूम में फिल्मी चित्र लगाना नहीं, ऐसा चित्र हो जो देखने में आकर्षण हो लेकिन और भद्दा भी ना लगे, कोई भी देख सके, और बाथरूम में कोई चित्र लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे महंगा फर्नीचर सिर्फ ऑफिस में, ऐसा ज़रूर नहीं कि बस महंगा ही फर्नीचर ऑफिस में रखें, पर जैसा काम के हिसाब से भी ऑफिस में फर्नीचर यूज कर सकते हैं, तो सजावट में सुंदरता आती है। क्या है, अगर सही कहें तो सजावट करने से क्या होती है, सुंदरता आती। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, फूलदान में तो नमक डाल देना चाहिए। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए हो क्या, निम्नलिखित में से कौन वस्तु घर की सजावट करती है, तो फूलों से हो जाती है। घर गृह सज्जा का आवश्यकता तो क्या, इनमें से सभी सुंदरता उभयता और अभिव्यक्ति सभी। गृह सज्जा का, और यहाँ पे मकान बनाने के लिए भूमि लेनी चाहिए तो कैसा, पथरीली। पर्दे लगाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तीव्र आयु, वायु, प्रकाश, गर्मी और बचाव से, गर्मी से बचाव। सजावट का अर्थ क्या है, उपयुक्त सभी। घर की सजावट के लिए वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो फूलदान का। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का सजावट नहीं करनी चाहिए, तो हथौड़ा का नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।